नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले आप सभी का अपने चैनल के एक और जोशीले वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का जो वीडियो है, जो उसका शीर्षक है, वो है थ्योरी ऑफ सप्रेशन इन होम्योपैथी। कि थ्योरी ऑफ सप्रेशन क्या होता है। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, तो इससे पहले का जो वीडियो है उसका मैं कार्ड लिंक के ऊपर एज अ कार्ड डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप पहले उसको जाकर देखिए, जिसमें मैंने बताया है इवोल्यूशन ऑफ सोरिक मायज़म के बारे में। क्योंकि ये वीडियो भी मायज़म नाम की प्लेलिस्ट का पार्ट होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ सप्रेशन जो थी वो कहीं ना कहीं मायज़मेटिक बैकग्राउंड से ही संबंध रखती है। जैसा कि मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि हम जो मायज़म्स हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ट्यूबरकुलर और कैंसरस, इनको हम सबको सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। पर दोस्तों, मायज़म इतना आसान नहीं है कि हम सीधे सोरा के ऊपर बात करने लगें या सिफिलिस के ऊपर बात करने लगें या साइकोसिस के ऊपर बात करने लगें। इन सबको समझने के पहले इसका इवोल्यूशन समझना है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, और उसके साथ साथ हमको थ्योरी ऑफ सप्रेशन समझनी पड़ेगी। अब थ्योरी ऑफ सप्रेशन क्या है? ऑब्वियस बात है कि ये डॉक्टर हैनीमैन की दिमाग की उपज थी, और ये बहुत सही है, बहुत ज़्यादा काम की है। क्योंकि हैनीमैन के टाइम तक क्या हो रहा था, वो नहीं, उनके टाइम तक नहीं, आज भी वही हो रहा है। एक्चुअली उसका रूप बदल गया है कि लोग क्या कर रहे हैं, बीमारी को एनिहिलेट या क्योर नहीं कर रहे हैं, वो उसको कहीं ना कहीं पेलिएट कर रहे हैं, उसको सप्रेस कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ सप्रेशन कैसे समझ में आई? कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, जैसे एब्रोटेनम है, एब्रोटेनम के अंदर तमाम चीज़ें बताई गई हैं। डायरिया के सप्रेस होने के बाद र्यूमेटिज्म बताया गया है। हमारे पास कालमिया और ऐसी र्यूमेटिक मेडिसिन है, जिनके अंदर ये बताया गया है बेंजोइक एसिड के अंदर, कि जब भी जोड़ों के ऊपर हम गाउट, गठिया को सप्रेस करते हैं, तो वो मेटास्टेसिस उसका हो जाता है हार्ट के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ RHD, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़। वहीं पे ऐसी तमाम मेडिसिन है जिसके अंदर कहीं ना कहीं किसी तरह के सप्रेशन के द्वारा हम कोई ना कोई फसाद होता देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक बार और नाम लेना चाहूँगा थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के थ्योरिटिकल पार्ट का, जिसके अंदर मैंने पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको उस वीडियो में दिया है, जो उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ सोरिक मायज़म। कि सोरिक मायज़म पूरी दुनिया के अंदर कैसे प्रोपोगेट हुआ, आप उसको अच्छे से देख लिए तभी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। तो अब थ्योरी ऑफ सप्रेशन क्या थी? देखिए, सप्रेशन ऑफ डिस्चार्जेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मोटे तौर पे होता क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमेशा से एक जो प्रॉब्लम रही, और ये प्रॉब्लम को ना समझने के कारण मॉडर्न मेडिसिन आज की तारीख में बुरी तरह से विफल हो रही है। सप्रेशन का मतलब क्या है? मतलब ये जो जो चीज़ें आज ये लोग कर रहे हैं, जो भी ये इलाज की तकनीकें अपना रहे हैं, ये सारी की सारी क्योर में नहीं आती, ये सारी की सारी सप्रेशन और पेलिएशन की टेक्निक है। अगर हम इनको समझ जाएंगे तो हम थ्योरी ऑफ सप्रेशन को और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करिए कोई स्किन डिजीज़ का पेशेंट आया, तो ये क्या करते हैं, बीटा मिथाजोन या बेटनोवेट जैसा ऑइंटमेंट दे देते हैं। कई बार ये स्टेरॉयड के साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक मिला हुआ ऑइंटमेंट दे देते हैं, पेशेंट उसको लगाता है, चीज़ जो होती है, जो इरप्शंस होते हैं, वो ओवरनाइट डिसअपियर हो जाते हैं। और वो डिसअपियर होने के बाद पेशेंट सोचता है मैं क्योर हो गया, पर वो जितनी बार रिबाउंड बाहर आते हैं, आपको उसका असर थोड़ी है इतना ज़्यादा, उसका मतलब एक हाफ लाइफ होती है। आप एक महीने लगाओगे, दो महीने लगाओगे, पर दो महीने बाद आपके दिमाग में ये विचार आएगा कि यार आई गॉट क्योर्ड। आप उसको लगाना छोड़ोगे, वो चीज़ वापस से बाहर आ जाएगी। इसी तरह से सप्रेशन का मतलब क्या होता है? सप्रेशन का मतलब बॉडी की लैंग्वेज और बॉडी की एक्सप्रेशंस को दबा देने को हम सप्रेशन बोलते हैं। तो ये हमने ब्रॉड कैटेगरी में समझा कि सप्रेशन क्या होता है। अब हम उसको और माइक्रोस्कोपिक और होम्योपैथी के लेवल पे देखते हैं कि सप्रेशन का मतलब क्या है। सप्रेशन मतलब, सप्रेशन के पहले हमको एक्सप्रेशन समझने पड़ेंगे कि जितनी भी चीज़ें हम स्किन के ऊपर देखते हैं, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ द स्किन डिजीज़ इन होम्योपैथी। कि जब भी कोई इंटरनल ऑर्गन कोई डिजीज़ फोर्स से अफेक्टेड होता है, तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए उसको एक स्किन डिजीज़ में तब्दील करके रिफ्लेक्ट कर देती है सरफेस के ऊपर, और वो अपने को दिखता है इन द फॉर्म ऑफ स्किन डिजीज़। और हम लोग कितने मॉडर्न मेडिसिन वाले, और हम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले, कि वो उसको वापस से दबा देते हैं कोई ऑइंटमेंट के द्वारा,
और वो जो जब पेशेंट सिक्योर्ड है उसको सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करके हम उसको वापस से वहाँ से गायब करके उसी ऑर्गन की तरफ रिवर्ट बैक कर देते हैं, तो यही कहलाता है सप्रेशन। उसके अलावा भी तो एक्सप्रेशन क्या था, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सप्रेशन क्या था। सप्रेशन को समझने के पहले हमको एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा कि बॉडी जब सिम्टम्स के द्वारा कुछ हमको एक्सप्रेस कर रही है उसको हम प्रॉपरली नहीं समझ पाते, और उन एक्सप्रेशंस को दबाना ही सप्रेशन होता है। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ, देखिए कुकर होता है, आप सबके घर में कुकर होगा, प्रेशर कुकर की बात कर रहा हूँ। उस प्रेशर कुकर के हैंडल के नीचे एक सेफ्टी वॉल्व होता है, आपने देखा है वो सेफ्टी वॉल्व। वो जो सेफ्टी वॉल्व होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुकर के काम करने के लिए, कि कभी अगर कुकर के अंदर चावल का दाना सीटी के रास्ते में फंस जाता है तो वो जो सेफ्टी वॉल्व होता है वो बस्ट होके पूरी गैस को सिक्योरली रिलीज करने का काम करता है, जिससे कि कुकर फटे नहीं। और आज की तारीख में जो हम भांति भांति प्रकार की अंड बंड बीमारियां देख रहे हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, 32-35 साल की उम्र में लोगों को ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आ रहे हैं, मतलब स्ट्रोक्स आ रहे हैं। इसी एज ग्रुप के अंदर लाखों लोग आज की तारीख में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI से उनकी डेथ हो रही है, कार्डियक अरेस्ट से। तो ये सब हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम पूरी आबादी के जो स्किन डिजीजेज होते हैं उनको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। देखिए बॉडी सिम्टम्स, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है शरीर की भाषा, ये लक्षणों की भाषा होती है। शरीर हमें लक्षणों से कुछ बताना चाहता है, कायदे से हमको उसको समझ के उसको प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिकेशन देना चाहिए। पर होम्योपैथी का तो नामो निशान नहीं है दुनिया में आज की तारीख में, हम लोग सर्व कर रहे हैं मात्र शायद 1% से थोड़ा ऊपर पॉपुलेशन पे। 99% पीपल्स आर राइट नाउ टेकिंग द एलोपैथिक ट्रीटमेंट फॉर देयर एन नंबर ऑफ डिसीजेस। तो बॉडी लैंग्वेज को समझना जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज हमको ये बताती है कि भाई इस चीज को इस तरह से मत करो, इस तरह से करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन होते हैं दे आर जस्ट लाइक द सेफ्टी वॉल्व। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हम लोग शादी पार्टी का गर्मी में सीजन होता है, मई में शादियाँ होती हैं, हम शादियाँ में खाना खाते हैं। हम लोग अगर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हम फ्रिक्वेंटली करते हैं, कई बार ऐसा होता है बैक टू बैक शादियाँ आती हैं तो लोगों को दस्त क्यों लगते हैं। ये दस्त क्या होता है भाई, ये जो दस्त होता है ये बॉडी का एक एलिमिनेशन है। जब भी हम थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन और सप्रेशन की बात करते हैं तो एक शब्द जो आप लोगों ने जनरली सुना होगा दैट इज़ द एलिमिनेशन। बॉडी शरीर से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज को निकाल के पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने की कोशिश करती है, पर वो डिस्चार्ज है, हम उसको वी आर ट्रीटिंग इट लाइक अ डिजीज। हम उसको डिजीज, देखो शरीर में दिक्कत कहाँ पे है, मॉडर्न मेडिसिन क्यों फेल हो रही है, कि आग कहीं लगी है, धुआं कहीं से निकल रहा है, तो जहाँ से धुआं निकल रहा है हम उस जगह के पीछे भागते हैं। हम धुआं क्यों निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है देखने की कोशिश नहीं करते। मतलब कहने का है कि बॉडी के अंदर बीमारी कहीं होती है, उसके मैनिफेस्टेशंस कहीं और आते हैं, और उन मैनिफेस्टेशंस को हम ना समझने के कारण एक बिल्कुल लठैत टाइप के, एक मतलब कम बुद्धि के मानव की तरह हम उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं और उन एक्सप्रेशंस को दबा देते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ सप्रेशन में, यहाँ पे होम्योपैथिकली अगर बहुत माइन्यूटली बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किन सप्रेशन ऑफ द डिस्चार्जेस की, जैसे कि कुछ डिस्चार्जेस मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर वापस से मैं थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज के अंदर आऊँगा कि आपको पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए सप्रेशन ऑफ द डिस्चार्जेस सबसे मेन है, जैसे कि मेंसेस, जैसे कि ल्यूकोरिया, जैसे कि ओटोरिया कान से निकलना, लूज मोशंस, डायरिया, वोमिटिंग, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को बिना कारण करण समझे इनको एज अ बीमारी कंसीडर आप मत करें, इनको एज अ एक्सप्रेशन बॉडी का समझें और सही राइट लाइन में ट्रीटमेंट दें, तभी पेशेंट परमानेंटली क्योर होगा। नहीं तो आप क्या करोगे कि ये जो डिस्चार्जेस हो रहे हैं इनका सप्रेशन हो जाएगा। तो ये मैंने 5 एग्जांपल दिए फिजिकल बॉडी के लेवल पे, और एग्जांपल है बॉडीली लेवल पे। भैया स्वेट का सप्रेशन बताया है, साइलिशिया करके मेडिसिन है, उसमें स्वेट का सप्रेशन बताया है कि फुट स्वेट के सप्रेशन होने के कारण 50 फसाद पैदा होते हैं। एब्रोटेनम में दस्त के बंद होने के कारण रूमेटिज्म बताया है और पता नहीं कितनी चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना। आर्सेनिक के अंदर स्किन डिजीज सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है जिसको हम सप्रेस कर देते हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज 5, कौन से 5,
वॉमिटिंग, डायरिया, नेजल डिस्चार्ज, लोगों का नेजल डिस्चार्ज सप्रेस होता है तो उनको हेडेक होने लगता है, ठीक है ना, ओटोरिया, कान का डिस्चार्ज, स्किन डिजीज़, ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, इसको सप्रेस करते हैं लोग, इसको मॉडर्न मेडिसिन में सप्रेस किया जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि आप अच्छे से समझ गए कि कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, दे आर जस्ट लाइक द सेफ्टी वॉल्व। जब भी बॉडी कोई एक्सप्रेशन दे रही होती है, कोई सिम्टम ऐसा दे रही होती है जहाँ पे उसको हम डिस्चार्ज बोल सकें, तो जब वो डिस्चार्ज कर रही होती है तो वो कुछ इविल फोर्सेस को कंट्रोल्ड तरीके से डिस्चार्ज कर रही होती है, और मॉडर्न मेडिसिन में उन्हीं डिस्चार्जेस को हम बीमारी कंसिडर करने लगते हैं, उसका इलाज करते हैं, उनको सप्रेस कर देते हैं। वो सप्रेस होने के बाद जिस ऑर्गन को बचाने के लिए डिस्चार्ज हो रहा था सिम्टम का, इन द फॉर्म ऑफ डिस्चार्जेस और इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, इन द फॉर्म ऑफ स्किन डिजीज, वो जो होता है वहाँ से गायब होके, क्योंकि आपने तो उसको सप्रेस कर दिया, वो उसी ऑर्गन को वापस जाके अफेक्ट करता है जहाँ से ये आ रहा था। और यही शायद एक कारण है कि मानवता के अंदर बीमारियों का इतना वाइड स्पेक्ट्रम हो गया है, क्योंकि लोगों के डिस्चार्जेस आते थे, ये अभी से नहीं हो रहे, तो शुरू से 1000 साल से मॉडर्न मेडिसिन का पुराना रूप जो था एंशियंट मेडिसिन से, ये यही कर रहे हैं। तो इनने सप्रेशन इतना करा है कि वो बीमारियां लोगों के अंदर वापस गईं और वो टाइम बॉम्ब के रूप में तब्दील होके भांति भांति प्रकार की बीमारियों में बदल गई। अब हम आते हैं थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के थ्योरिटिकल पार्ट में। दोस्तों वहाँ पे 500 से ऊपर ऐसे लक्षण बताए गए हैं दैट मे बी द ड्यू टू द सप्रेशन ऑफ ऑल दीज एक्सप्रेशंस। मतलब ये जितनी भी सिम्टम्स थे जिनको ये सप्रेस करते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज के जो मेन सिम्टम थे, उनके सप्रेशन के कारण हैनीमैन ने 500 से ऊपर एक लाइन में सिम्टम्स बताए हैं। मतलब स्किन डिजीज़ के सप्रेशन होने के कारण बंदा पागल हो सकता है, स्किन डिजीज के सप्रेशन के कारण आपको कोई भी लीथल बीमारी पैदा हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर, दैट मे बी द कैंसर, दैट मे बी द ट्यूबरकुलोसिस। ये ऐसे ही होता है, बॉडी ऐसे ही काम करती है। वो जब तक मॉडर्न मेडिसिन इस बात को अच्छे से नहीं समझेगी तब तक इसका कुछ नहीं होने वाला। तो जो थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज की जो मोटे मोटे दो वॉल्यूम है, अपार्ट फ्रॉम दैट बीजन पब्लिकेशन ने एक छोटा सा इतना मोटा एक किताब उनने पब्लिश करा है जिसको बोलते हैं थ्योरिटिकल पार्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। ये तो मेरी डायरी है, बट वो दैट इज इक्वलेंट टू दिस पा, मतलब इतना ही मोटा है वो, जिसके अंदर आप थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज को बहुत कम समय में अच्छे से समझ सकते हो। और मेरा मानना है कि उसको पढ़ने के बाद आप मेन जो दो मोटे मोटे वॉल्यूम हैं उनको बाद में पढ़िए। तो दिस इज वॉट इज नोन एज द सप्रेशन। सप्रेशन मतलब शरीर की बॉडी लैंग्वेज को दबाना, ठीक है ना, जैसे इस दुनिया में हो रहा है, लोग आवाज़ उठा रहे हैं बुराई के खिलाफ, पर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है ना, दमन तो हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर दमन चल रहा है। हम अपने अगल बगल रोज देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग हल्ला मचा रहे हैं किसी के खिलाफ और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उसी तरह से फ्रॉम द वेरी ओल्ड टाइम बॉडी की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है, और इसी को बोलते हैं मायाज़म का एक्सप्रेस स्टेट में या लेटेंट स्टेट में होना। कहने का मतलब, हम सब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम सोरिक मायाज़म को ईज से संबंधित मानते हैं कि ईज जो है दैट इज़ द प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट, सोरिक मायाज़म। तो अगर मेरे पास एक पेशेंट है जो कि एक्सप्रेस्ड एक्जिमा लेके मेरे सामने आया है या सोराइसिस लेके मेरे सामने आया है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द एक्सप्रेस्ड स्टेट ऑफ मायाज़म। एक्सप्रेस्ड स्टेट ऑफ मायाज़म सबसे सिक्योर्ड एक प्रोटेक्टिव तरीका है शरीर को एग्जिस्ट करने का। मेरी बात समझो कि अगर मेरा मायाज़म एक्सप्रेस्ड स्टेट में है तो मेरे अंदर कोई भी ऐसी बीमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, मेरे को खुजली हो रही है, मेरे को एक्जिमा या सोराइसिस है, मैं उससे ज़िंदगी भर पीड़ित रहूँगा, पर दोस्तों आप ये याद रखिएगा कि मेरे को अंदर से मेरी बॉडी प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने उसको उस बीमारी को उसने क्या करा, स्किन डिजीज़ में बदल के मेरे सरफेस पे भेज दिया। तो ये सोरा मायाज़म की एक्सप्रेस्ड स्टेट में हूँ मैं, और एक्सप्रेस्ड स्टेट में ही होना ही हेल्दी रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एक्सप्रेस्ड स्टेट हो सिफिलिट की मायाज़म की या साइकोटिक मायाज़म की या किसी और मायाज़म की या सोरिक मायाज़म की। अब व्हाट इज़ द लेटेंट स्टेट ऑफ दैट मायाज़म? लेटेंट स्टेट ऑफ एनी मायाज़म का बॉडी के अंदर लेटेंट स्टेट में होना, ये एक टाइम बम के समान है। आप इक्वलेंट टू हो आप एक टाइम बम के जिसकी उल्टी घड़ी चल रही है और आपके साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। मतलब कहने का है कि अगर मैंने उसी स्किन डिजीज़ को एक डर्मेटोलॉजी के पास लेके गया और डर्मेटोलॉजिस्ट ने
उसको दबा दिया। दबा दिया मतलब सप्रेस कर दिया। कैसे? क्योंकि वो क्योर तो कर नहीं पाएगा, उसके पिताजी से भी क्योर नहीं होगा ये। वो मेरे को कोई ऑइंटमेंट देगा, बीटामिथाजोन एंड समथिंग लाइक दैट, मैं उसको लगाऊंगा, मेरी डिजीज़ मेरे को लगेगा क्योर हो गया, पर मैं क्योर नहीं हुआ। मेरा माइज़म माइज़मेटिक मेरी स्टेट जो होगी वो लेटेंट स्टेट में चला जाएगा। अब मेरे अंदर, क्योंकि वो डिजीज़ को स्किन के ऊपर था, वो कुछ और नहीं बन सकता था, पर अब वो 1,000 चीज़ों में बदल सकता है। और वो 1,000 चीज़ों की लिस्ट थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में हैनीमैन ने लिखी है। आप चाहो तो मोटा वाला पढ़ लो, आप चाहो तो पतला वाला पढ़ लो, पतले वाले में एंड में लाइन से सारे सिम्टम हैं, ठीक है ना। और मेरे पास वो बुक मेरे को मिल नहीं रही है मेरे कलेक्शन में, उसको अगर वो मेरे को मिली तो मैं एक वीडियो में सिर्फ वो 500 सिम्टम पढ़ के बताऊंगा आपको कि सिम्टम्स के सप्रेशन पे या फिर मायज़म को एक्सप्रेस्ड से लेटेंट स्टेज पे ले जाने में कितने बड़े बवाल हो सकते हैं। और यही बवाल पूरी हेल्थ इंडस्ट्री देख रही है। लोगों के अंदर इतनी बुरी बुरी बीमारियां ऊल जलूल समय पे, बेसमय वो लोग गंजे हो रहे हैं। लड़कियां हैं तो लड़कियों को मेंसेस ही नहीं आ रहा है, मेनार्की के टाइम पे उनका मेंसेस गायब हो जा रहा है। मतलब उनको सोचिए हार्मोनल डिसबैलेंस है फ्रॉम द वन डे, फर्स्ट डे ऑफ हर मेंस्ट्रुएशन। जो और लड़कियां 20-25 साल की, उनको बिना दवा के मेंसेस ही नहीं आते, उनको एलोपैथिक मेडिकेशन लेना पड़ता है तभी उनके मेंसेस आते हैं। तो हम लोग इतने बीमार क्यों पड़ गए हैं ये कोई नहीं देख रहा है। इसको देखने की ज़रूरत है। और देखिए, जब तक इन चीज़ों का कंसिड्रेशन मानवता और हेल्थ इंडस्ट्री नहीं करती, तब तक कुछ भी भला नहीं होने वाला है। इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि होम्योपैथी इज़ द लास्ट होप ऑफ ह्यूमैनिटी। जब तक इसको वाइड स्प्रेड लेवल पे ऑल ऑफ द वर्ल्ड इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता, और ये लोग बैठ के हमसे इन सब थ्योरीज को नहीं समझते, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को नहीं समझते, होम्योपैथिक फिलॉसफी को नहीं समझते, व्हाट इज सिमिलिया सिमिलिबिल्स क्यूरेंटर है इसको नहीं समझते, तो मुझे नहीं लगता है हेल्थ इंडस्ट्री का कोई भी सिनेरियो अच्छा होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप थ्योरी ऑफ सप्रेशन को समझ गए हैं। और एक और सप्रेशन की मैं बात एंड में करना चाहूँगा। देयर इज ऑल्सो द मेंटल सप्रेशन। मेंटल सप्रेशन मतलब भावनाओं का भी सप्रेशन हो जाता है। और वो भावनाओं का सप्रेशन जो रहता है वो कहीं ना कहीं बहुत सबसे बड़ी बीमारियां उस भावनाओं के सप्रेशन की वजह से होती हैं। और वो मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे एक जो वीडियो बनाया उसका लिंक मैं कार्ड में दे दूंगा, मैंने वहाँ पर बताया है कि किस तरह से मेंटल इमोशन के सप्रेशन के कारण लोगों को मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी और इस जैसी बहुत सारी डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस हो सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। नमस्कार।